कि बिहार में महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग की। सूत्रों के मुताबिक आज बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है और 26 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए 9 और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती है। पिछले कई दिनों से महागठबंधन में सीटों पर बातचीत चल रही है और माना यह जा रहा है कि आज इसका ऐलान हो सकता है। फॉर्मूला तय हो चुका है, आरजेडी 26, कांग्रेस के लिए बिहार में 9 सीट छोड़ी गई है और ये बात फिलहाल बन चुकी है और आज इसका ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मंथन बैठकों का दौर जारी था, सीट बंटवारे को लेकर जो सस्पेंस था वो बरकरार था और अब ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। आज शाम तक जो गठबंधन है वो इसका ऐलान कर सकता है। फॉर्मूला क्या तय हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जहां जो आरजेडी है, आरजेडी 26 सीटों पर आरजेडी की सहमति बनी है, कांग्रेस के लिए 9 सीट छोड़ी गई है और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती है। और चलिए पूर्णिया सीट को लेकर फॉर्मूला क्या रहने वाला है ये भी आपको बता दें। कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया और कहा कि वो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आ गया जब बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गई और पूर्णिया सीट पर अपनी दावेदारी कर दी है। अब पप्पू यादव क्या करेंगे उन्हीं से जानेंगे और हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार और जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पप्पू यादव से इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश, बिल्कुल पप्पू जी, मैं पटना से प्रकाश बोल रहा हूं और पहला सवाल यह है कि आपने जब कहा कि दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है पप्पू जी? क्या आप चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि बीमा भारती को तो आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। पार्टी मैं हम क्या हैं, हम यादव नहीं हैं, जादवों से मैं एक ही जादव है और कोई नहीं है यादव। मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए पप्पू जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। तो मेरे से क्या, मैं जब जिस वक्त वो हमको बुलाए थे उस वक्त उन्होंने तो मधेपुरा के बारे में उन्होंने कही, मधेपुरा सुपौल ले लीजिए और आप मर्ज कर जाएंगे। हम तो ऐसा कुछ नहीं कहे, ना मेरी कोई बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि पूर्णिया के बारे में हम आए हैं गार्जियन आपसे बात करने, मेरे लिए पिता की तरह हैं। तो यादव ठीक है, मैं एक इंसान हूं ना, मेरा भी घर तो पूर्णिया कोसी सीमांचल है। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं, हमको हमारी माँ से आप छीनना चाहते हैं। कोई माँ से अपने बेटे को छीना है दुनिया में? ये इतिहास है। मैं तो उनको हमेशा पिता माना हूँ और मैंने कहा कि सवाल यही है कि क्या लालू जी ने आपको अपनी पार्टी आरजेडी में मर्जर करने को कहा था पप्पू जी? मैं तो कह ही रहा हूँ, ये बात तो वो भी बोल रहे हैं और मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ प्रकाश जी नहीं ना कह दी और मैंने धोखा तो नहीं, पीठ में खंजर तो मेरा नहीं भैया। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल की पूरी कमाई मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना, मैं खून, मैंने उस विश्वास को, उस विचार को आत्मसात किया ना जिसमें देश को बचाना था, जिसमें लोकतंत्र की सुरक्षा करनी थी। मेरा तो अब मेरा तो सब कुछ समर्पण कर दी, अब तो तय कांग्रेस को करना है, मैं तो कहीं नहीं हूं। तो कांग्रेस को निर्णय लेना है पप्पू यादव के बारे में। तो क्या हमने तो क्या ये माना जाए कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे ही चाहे जो भी हो जाए? देखिए प्रकाश जी, आप ऐसे समझिए, मैंने आज भी, आप खुद जानते हैं, मधेपुरा में सुपौल में मैडम लगती थी, मेरी माँ 32,000 से मात्र चुनाव हारी थी बीजेपी से और हम नहीं थे चुनाव में, यहाँ हम को डिटेन कर लिया गया था और हम कभी चुनाव नहीं हारे पूर्णिया से, ना हराया हमको पब्लिक ने कभी। हम तो
इसी परिस्थिति के कारण मधेपुरा गए थे, और उस हालात में प्रकाश जी जब पूरी जिंदगी मेरी इंसानियत के लिए है, मैं ही एक आदमी हूँ, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, दुनिया का कोई भी, कभी भी किसी जाति धर्म मजहब, आप खुद जानते हैं प्रकाश जी मेरे कैरेक्टर को, लाइफ को, आप भी मेरे घर से हैं, पूर्णिया के बनमनखी से है, आपको दुनिया का पता है कि मेरा क्या सिवाय विकास, सिवाय लोगों की सेवा, उसकी मदद की हमारा कोई मतलब नहीं। सवाल यही है कि आप सालों भर सड़क पर रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो या फिर कोई विपत्ति आई हो, किसी के घर में आप पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि लालू जी को कि कहीं तेजस्वी से बड़ा नेता पप्पू यादव ना हो जाए, इसलिए आपके लिए वो रास्ता ही उन्होंने बंद कर दिया? देखिए, एक बात तो ये, तो लालू यादव जी पिता हैं, कोई भी अपने पुत्र के बारे में कुछ भी सोच ही सकते हैं, लेकिन मैं तो धर्म का पुत्र हमेशा रहा ना। लालू यादव जी को जब विपक्ष के नेता बनाने की बारी आई, तब तो तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, हम उस वक्त लालू जी के साथ खड़े थे। रवि बाबू के घर में ना हम नवल किशोर भारती जी को हमने दिया था, हम भी बेटे के तरह हैं। हमने तो तेजस्वी जी को कहा, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी यदि परिस्थिति वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा तो मेरी पूरी भूमिका तेजस्वी जी के छोटे भाई के साथ होगी। ये बात मैंने उनके घर में कही, और दूसरे दिन तेजस्वी जी की पत्नी ने तो बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पर डाला। मैं थैंक्स करता हूँ उस बच्ची को, उसकी भावना को। मैंने तो कहा मेरी जो औकात है मैं प्रयास करूंगा बीजेपी को रोकने का, सुपौल में, अन्य जगहों पर, अररिया में, इतने बड़े मुसलमान 7 लाख 6.5 लाख और 5.25 लाख यादव होने के चलते आप चुनाव नहीं जीतते हैं कभी, क्यों? दो भाई का को लड़ करके हमें आप, हमको, हमसे तो, मैंने तो कांग्रेस में ही हम गए ना, हम तो एक बड़े विगर्स आउटपुट, एक थिंकिंग। तो यह माना जाए कि आपके और बीमा भारती के बीच में अगर लड़ाई होगी तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र हमारे साथ है, वो भी पप्पू जी आपसे सवाल करेंगे। जैनेन्द्र, शुक्रिया प्रकाश जी। पप्पू जी, आप प्रियंका गांधी के कहने पर कि यू जस्ट ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लीजिए पहले कांग्रेस, आप कांग्रेस में शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर लिया, अब जब आपकी टिकट फंस गई है, क्या आपकी कोई बात हुई है प्रियंका गांधी से, और अब प्रियंका गांधी आपको क्या कह रही है? देखिए, एक बात जयनंद्र जी, प्रियंका गांधी जी के बारे में आप भी जानते हैं, दुनिया को पता है, इतना बड़ा विश्वास एक परिवार और एक बहन ने जिस तरीके से भाई की तरह किया, वो हमारी लीडर है, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो उस विश्वास के बाद मैं तो पहले ही कहा कि हमारी जो जिंदगी की सारी कमाई थी, दो दो बार हम विधानसभा का चुनाव अपनी पार्टी से लड़े, 2% और बोले 2% वोट आया दोनों बार हमको, जबकि अकेले हम लड़े, फिर हम चुनाव भी खुद लड़े हम अपनी पार्टी से, और ये सारी चीजों को जब उनके सिर्फ विश्वास और उनके स्नेह के कारण हम एक बार भी नहीं सोचे, ना मैडम से पूछा, मैडम ने भी अंत में कहा कि जब प्रियंका जी का फोन आ गया तो आप गो अहेड कर दीजिए, बेटा भी यही बोला, बेटा पहले से सोनिया जी के प्रति उनका डिवोशन रहता है। जुड़े हुए हैं और वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव क्या चुनाव लड़कर रहेंगे, क्या पूर्णिया से वो जरूर लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे पास अभी आ रहे हैं, जिनमें से एक सवाल सबसे ज्यादा यही है कि पप्पू यादव क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या टिकट का इंतजार करते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में कभी टिकट का इंतजार नहीं रहा है। मैं 2 ही बार पार्टी से चुनाव लड़ा हूं, 4 बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूं, हमारी माँ भी इंडिपेंडेंट थी। हम पूर्णिया की जनता के बारे में आपको पता है, मेरे रिश्ता आपको पता है, कोसी के रिश्तों के बारे में, ये अलग बात है कि मेरा कभी कभी दुर्भाग्य में कोई जात पात तो नहीं करता हूं, आपको भी पता है मेरे बारे में, मेरा घर दिल्ली के दरबार में पूरे देश के गरीब के लिए होता है, हम तो गरीबों के आंसू और आम आदमी के, चाहे वो कोई संस्था हो, जयनंद्र जी मैं उसके साथ हूँ। पूर्णिया में किसी टिकट की जरूरत तो, हम तो बिगर सोच के साथ ना हम गए हुए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में जाने का मतलब है कि जो कांग्रेस बिना जाति धर्म और बिना किसी मजहब के दफरत के जो आइडेंटिटी कांग्रेस की है, वहां जाकर
बिहार कांग्रेस को नंबर वन करने का जो मेरा एक संकल्प, और बीजेपी को बिहार से सीमांचल तो कांग्रेस की जमीन थी ना, यहाँ तो आरजेडी कभी चुनाव नहीं लड़ी, हम 20 साल से यहाँ नहीं। लेकिन पप्पू जी तो सवाल यह है कि आपका हिसाब गड़बड़ा कहाँ गया, गणित जो है वो कहाँ से गड़बड़ हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो आपका पीछे से टांग खींच रहे हैं? नहीं नहीं, मैं एक बात बताऊं, मेरा ही दुर्भाग्य है कि हम अपने घर में जहाँ सबसे ज्यादा मजबूत है, और चाहे राजद हो चाहे कोई भी पार्टी, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कोसी सीमांचल पे, मिथिलांचल पे, और यहीं से सारी पार्टी, आप उठा के देख लीजिए, जिसको ज्यादा विधायक मिलता है वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और मैं अपने घर में ही हार जाता हूँ अपनों के कारण। तो मेरा कोई कहीं गणित नहीं गड़बड़ाया। एक तो सबसे बड़ी भूल मेरी, कहिए चाहे जो कहिए, मैंने लालू यादव जी से जब हम मुलाकात 9 तारीख को किए, जब वो मर्ज के लिए कहा गया हमको, तो मैंने उनसे अस्थिर से कहा कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। उन्होंने तो पूर्णिया पर डिटरमाइन कुछ बोले नहीं। तो मैंने तो कोई गलती ऐसी नहीं कर दी कि इतना बड़ा मैं तो उनको कहा कि आप जिसको लड़ाइएगा मैं खाद बनूंगा दोनों जगह, तो मैं तो साथ हूं उनको। लालू यादव जी, तो ये माना जाए कि पप्पू जी आप अब इशारों में ही ये साफ कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, निर्दलीय भी लड़ना पड़े तो आप निर्दलीय लड़ेंगे। पप्पू जी आप एबीपी न्यूज के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैक टू स्टूडियो। तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि भाई अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते। ABP News, आपको रखे आगे।